हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण। दोस्तों सरलीकरण से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और वो छोटे छोटे प्रश्न होने के बावजूद भी अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण में टोटल थ्योरी भी बताऊंगा और उसके प्रैक्टिस करके क्वेश्चन भी बताऊंगा कि दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों यदि आपको सिंपलीफिकेशन में कोई भी डाउट है और यदि आपको डाउट क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका 100% एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके दिल और दिमाग में नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि सरलीकरण का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। दोस्तों आप इसके नोट्स जरूर बना लेना, मैंने क्योंकि नोट्स बना के आपको व्यवस्थित इसीलिए बताया हुआ है। सरलीकरण का जो अर्थ होता है दोस्तों, सरलीकरण का अर्थ मुख्यतः किसी भी प्रश्न को हल करना यानी छोटा रूप। जब कोई भी प्रश्न हमारे लिए एक बड़ी संख्याओं के साथ बड़ा रूप में दिया होता है, जब हम उसको छोटे रूप में उसका आंसर निकाल देते हैं तो हम उसको कहते हैं सरलीकरण। यानी बड़े रूप को छोटा रूप करना, उसको बोलते हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का अर्थ था जो आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें सिंपलीफिकेशन में सबसे पहला रूल आता है वी वर्ड मास का। दोस्तों ये जो वर्ड मास होता है, आपको मैं बता दूं, आप सभी ने वर्ड मास सुना होगा लेकिन इसका जो सही नाम होता है वो होता है वी वर्ड मास। तो चलिए हम वी वर्ड मास का रूल्स नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम हमेशा रूल्स नंबर फर्स्ट में वी वर्ड मास का प्रयोग करते हैं। अब वी वर्ड मास का प्रयोग करते हैं तो उसके जो शब्द हैं एक एक उसका नाम क्या होता है उसका संक्षिप्त में हम आपको यूज करना बताते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले वी होता है, इस वी का मतलब होता है क्या होता है, विनकुलम। यानी विनकुलम का मतलब होता है कोष्टक। एक कोष्टक होता है जिसको बोलते हैं हम रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक एक इस प्रकार का होता है। तो विनकुलम यानी कोष्टक, यानी जो कोष्टक होता है वो रेखा कोष्टक होता है। फिर इसके बाद वर्ड मास में वी आता है। वी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। अब कोष्टक के बाद आता है ऑफ, ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी में जैसे लिखा रहता है कि 10% का इतने परसेंट निकालिए, तो जब आपको 10% का लगा रहता है उसका मतलब होता है ऑफ। इसके बाद डी होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है घटाना। तो दोस्तों ये जो बिल्कुल सेम ऑर्डर में लगा है कि आपको जो वर्ड मास बताया गया है, इस वर्ड मास में ध्यान रखिएगा कि सेम आपका इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से क्रिया होती है। मतलब पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, डिवाइड होगा, मास होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब एक का एक करके, एक एक करके इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो देखिएगा आपने क्लियर हो गया होगा, ये क्या हो गया आपका वर्ड मास। तो इस वी वर्ड मास को आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और समझना। अब हम इसका यूज करना भी थोड़ा सा टाइम में बताएंगे कि कैसे इन चीजों का यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, नोट करके देखिएगा, यह लिखा है कि वर्ड मास रूल्स में क्रिया हमेशा क्रमशः होती है। वर्ड मास रूल्स में जो क्रिया होती है हमेशा क्रमशः होती है। उनके मतलब ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहली क्रिया में वर्ड मास मतलब ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ का ओ मतलब ऑफ होगा, फिर आपका दोस्तों क्या होगा डी मीन्स डिवाइड होगा, फिर एम मीन्स मल्टीप्लाई होगा, ए मीन्स एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब क्रिया 1 2 3 करके, मतलब ऐसी क्रिया प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। और दोस्तों ध्यान रखना यदि कोई सिंबल या दो सिंबल नहीं हो तो उसे छोड़कर क्रिया क्रमशः होनी चाहिए। इस बात का आपको खासकर ध्यान करना। यदि वर्ड मास के नियम में सपोज दैट ओ नहीं है तो सबसे पहले हम बी का यूज करेंगे मतलब ब्रैकेट, फिर डिवाइड पे पहुंचेंगे, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई पे पहुंचेंगे। यदि मान लिया मैंने ना तो ओ है ना डी है तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद दोस्तों हम कहां पहुंचेंगे डिवाइड पर पहुंचेंगे। यदि मैंने मान लिया कि एम नहीं है और सब कुछ है तो बी, बी के बाद ओ, ओ के बाद डी, डी के बाद एम चला जाएगा और हम एडिशन पे आ जाएंगे। तो मतलब इसमें रूल्स ऐसा है कि कोई भी चीज बीच से हट जाए तो हम उसका क्रम नहीं तोड़ते हैं, हम उसके क्रम के अनुसार ही उसका यूज करते हैं।
जैसे मैंने देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि यदि ओ नहीं है, बॉड मास के नियम में यदि ओ नहीं है तो इसका जो बनेगा वी बी डी एम ए एस होगा इस प्रकार से, क्योंकि वी यहां से देखो ओ हट गया तो आपको ये बनेगा। ए यदि नहीं है तो क्या बनेगा, वी बॉड एम ए हट गया यहां से तो मतलब ए बनेगा, वी बनेगा, बी बनेगा, ओ डी एम ए हट जाएगा, ए के बाद एम के बाद एस आ जाएगा, ठीक है। यदि ओ और ए दो नहीं है तो आपका वी बी डी एम ए हट जाएगा और एस आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखिएगा ओ हटा और यहां से आपका ए हटा, क्लियर बात। इसका जो क्रम है वो क्रम आपका वन टू वन चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि बी ओ डी एम नहीं है तो वी ए एस होगा। इस बात को आप थोड़ा सा समझना, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आप इसको लिखते जाइएगा। यदि आपको ध्यान ना रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इससे आपका काम चल जाएगा। अर्थात क्रिया के क्रम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मतलब मैंने बता दिया कि यदि आप इसको एक दो तीन करके कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो आपको उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, ये हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। रूल्स नंबर टू, अब हमने रूल्स फर्स्ट तो पढ़ लिया, रूल्स टू में पढ़ेंगे कोष्टक के मुख्य चार प्रकार होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने तीन प्रकार के कोष्टक पढ़े होंगे, एक छोटा बड़ा मझला, यही पढ़ा होगा। लेकिन आपके जो एक्चुअल कोष्टक होते हैं वो चार होते हैं, जिसमें वी आई होता है, वी आई का मतलब होता है ये रेखा कोष्टक होता है, जिसको हम विनकुलम बोलते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका विनकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्टक। दूसरा कोष्टक सीआई का मतलब होता है आपका ये छोटा कोष्टक, इसका फुल फॉर्म होता है सर्कुलर ब्रैकेट। नेक्स्ट होता है सीयू, सीयू का मतलब होता है मझला कोष्टक, मझले कोष्टक को हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर होता है आपका एसक्यू, एसक्यू का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक, जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ये कोष्टक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब आप ध्यान रखिएगा कोष्टक आप चार प्रकार के बताएंगे, ना कि तीन प्रकार के बताएंगे। अब हम रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों। रूल नंबर थर्ड में कुछ मैंने इधर पे आपके लिए कुछ फॉर्मूलास लगाए हैं, रखे हैं कि इस अध्याय में ध्यान रखिए, मैंने लिख दिया कि इस अध्याय में कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो बीज गणित के सूत्रों पर आधारित होते हैं, मतलब वो एलजेब्रिक फॉर्मूला पर आधारित होते हैं। और जिन पर फॉर्मूला पर आधारित होते हैं उनके कुछ जो फॉर्मूलास हैं वो मैंने आपको सामने लिखे हुए, तो आप इनको देख लीजिएगा। इनको लिखना है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये इस फॉर्मूला को आगे बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। इसको थोड़ा मैं ड्राइव करके बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, और नीचे क्या लिखा था इसमें ए प्लस का बी। तो देखिए दोस्त, ए प्लस बी, ए प्लस कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिल गया, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इधर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, तो इसको भी मैं फॉर्मूला को बना दूंगा ए माइनस का बी और ए प्लस का बी अपॉन में होगा ए माइनस का बी। ए माइनस बी और ए माइनस बी जब कैंसिल होगा तो मुझे मिलेगा ए प्लस का बी, तो देखिएगा आपको मिल गया ए प्लस का बी, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैंने ड्राइव करके बता दिया, नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला है इधर पे देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। यदि आप इसको ड्राइव करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको फॉर्मूला को, मैं थोड़ा सा ड्राइव करके बता देता हूं आपको। इसको तोड़ो दो तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यही रहेगा, यही होगा। तो माइनस का टू ए बी माइनस का प्लस के टू ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ए ए स्क्वायर और ए ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, ए बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो बनेगा टू ए स्क्वायर प्लस का टू बी स्क्वायर।
इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपको मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको ड्राइव कर दिया मैंने। तो इसी प्रकार से सारे फॉर्मूलाज ड्राइव होंगे। जो आपको ध्यान रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, है ना। ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस का बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए बी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आईएमपी थे, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और आप लिख लेना, जिससे आपको कहीं भूले नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको थ्योरी बता दी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आपको सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे कि कैसे आपको इनको ड्राइव करना है। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन पहला हमारा है, आपको लिखा है कि सरलीकरण यानी सरल कीजिए, इनको मुझे दी दोस्तों सरल करना है तो कैसे करूंगा देखना। अब मेन बात आती है, क्वेश्चन लिखा है मेरा 480 भागे 24 प्लस का 12, यही लिखा दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, 480 भाग का साइन होता है, यदि भाग की जगह गुणा का साइन आ जाए तो आपको 1/24 हो जाएगा। यदि आपको ये थोड़ी सी चीजें समझ में ना आए तो मैंने एक वीडियो बेसिक मैथ्स का पहले अपलोड कर चुका हूं, यदि वो वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी, उससे सारे मैथ्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे जो प्लस माइनस से रिलेटेड है, मतलब बेसिक मैथ्स का वीडियो है और बहुत अच्छा है, तो उसको जरूर देख लेना, तो ये चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने लिखा प्लस का 12, यहां से काट दीजिए 24 एकम 24 दूनी 48, तो मुझे मिला ऊपर कितना 20 और प्लस का 12, 20 और 12 को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 32। तो आंसर मेरा होगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देव दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा कितना इजी है, लेकिन दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इनको गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भाग या प्लस या गुणा के साइन की या कोष्टक के साइन की थोड़ी सी समझ नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्लस क्या लिखा है, 4 प्लस 4 भागित 4 माइनस का 4 इंटू का 4 प्लस का 4 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला है, इसको बिल्कुल व्यवस्थित करना है, दिया आपको साइन का अच्छे से नॉलेज है तो आप कहीं गलती इसमें नहीं करोगे। देखिएगा 4 प्लस का 4 इंटू भाग का साइन है, गुणा का साइन जब लगता है तो जो संख्या होती है वो 1/2 में चली जाती है, तो मिल जाएगा 1/4 माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, इधर मिलेगा आपको 4, इधर मिलेगा आपको 4 चौके 16 और प्लस का मिलेगा 4, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 8 माइनस का 16 और 16 में से 8 चले जाएंगे तो माइनस का बचेगा आपको 7, तो माइनस का 7 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको कहीं डाउट होता है, कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि लिखा है कि क्वेश्चन है 35 गुणित का 3.6 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है 35 लिख दीजिए, गुणा का साइन है गुणा लगा दीजिए, अब जब आपको 3.6 लिखा है बटे में कुछ नहीं है, दशमलव ऊपर का हटाते हो तो नीचे आपका 10 बन जाता है, मतलब 1 दशमलव हटता है तो 10 होता है, 2 दशमलव हटते हैं तो 100 लगता है और 3 दशमलव हटते हैं तो आपका 1000 लगता है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इसको काट दिया तो 7 और 18 बचा, तो 18 7 कितने होते हैं 126, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़े बड़े सिंपल मैंने रखे हैं, अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें थोड़े से हम टफ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं, अब ये थोड़े से भाग वाले आ गए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। देखिएगा इधर लिखा है 460 गुणित का 4 प्लस का 60 बटे में लिखा है 8 गुणित का 46। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उलझने वाला है, देखते उलझ रहा है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। देखिएगा इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 46 एकम 46, इसको काट दोगे कहीं से कटेगा ये, 46 एकम 46 और 0
और दो एकम दो, दो पंचे दस, तो आपको ऊपर मिला पांच प्लस का साठ, बराबर में साठ और पांच जोड़ोगे तो मिलेगा आपको पैंसठ यानी 65 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हुआ। देखने में कितना लेंदी लग रहा था, आपको भी लग रहा था क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको लिखा है, देखिएगा, 40 गुणित 4 माइनस का 20 इंटू 6 बटे में लिखा 10 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 5, क्लियर। इसके बराबर आपको सॉल्व करना है इसको, तो सीधी बात है आपको ये लिखा है आपको 40 इंटू 4 लिखा, 40 इंटू 4 4 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौको 16 160 माइनस का 6 का 2 में करोगे तो 120 अपॉन में आ जाएगा 20, 10 दूनी 20 आएगा प्लस का 4 पंचे 20, तो देखिएगा 160 में से 120 चले जाएंगे तो बचेगा 40 और 20 और 20 हो जाएंगे 40, 40 से 40 कैंसिल, तो बराबर मिल गया आपको 1, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका आपका सही होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड में नहीं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीड में बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद समझिएगा, और नहीं भी समझ में आए तो मुझे कमेंट्स जरूर करना। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 गुणित 5 माइनस का 5 बटे में 5 भागित 1 बटे 5, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या भाग के बाद गुणा में बदलती है तो वे 1 बटे 5 में आ जाती है, और जब कोई संख्या 1 बटे 5 में हो वो गुणा में बदले तो वो क्या हो जाती है, सिंगल संख्या हो जाती है। कैसे, 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 माइनस का 5 यहां आएगा 5 और भाग का गुणा बनेगा तो जो 1 बटे 5 है ये बन जाएगा 5, है ना। तो 25 में से 5 चले जाएंगे तो 20 और बटे में आ जाएगा 25, तो 5 चौको 20 और 5 25, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4/5, ये 4/5 आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों इसकी मैं लग रहा हूं कि आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करा दूंगा, दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और मैंने एक जो बेसिक वीडियो बनाया उसको जरूर देखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको भी देखना। आप लिखा है कि 8/1/3 गुणित 0.5 प्लस 18 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा, देखिएगा 18/1/3 गुणित में आएगा 0.5 प्लस का 18। मैंने बताया था कि जब कोई भी संख्या भाग से गुणा में जाती है तो वो 1 बटे में बदल जाती है, और जब कोई संख्या भाग से गुणा में आए तो वो संख्या हो जाती है। कैसे, गुणा से भाग में जाए तो वो क्या हो जाती है, संख्या बन जाती है। जैसे 18 ये बन जाएगा 18 गुणित 1/3 है तो ये बन जाएगी कितनी, गुणा में संख्या बन जाएगी 3 गुणित, मैंने बताया था 1 दशमलव हटता है तो 10 बनते हैं नीचे, और 2 दशमलव हटते हैं तो 100 बनते हैं, प्लस में 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 त्रिक 27 प्लस में 18, 27 और 18 जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे कितने, 45, तो दोस्तों 45 ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। दोस्तों स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं, आप समझदार हैं, क्वेश्चंस को समझिए, और यदि समझ में ना आए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा 2/1/2 भागित 3/4 गुणित 5/3 गुणित 9/15 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल मत भूलना, देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होता है, इसका इसमें हमेशा गुणा करते हैं और जो ऊपर वाली संख्या थी उसको जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। दोस्तों यदि इसमें कुछ आपको माइनस प्लस में समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका वीडियो में एक अपलोड कर चुका हूं, बेसिक वीडियो पार्ट फर्स्ट लिखा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैथ्स के सारे डाउट साइंस से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इधर दोस्तों गुणा का साइन बनेगा तो संख्याएं पलट जाएंगी, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, 4/3 गुणित 5/3 गुणित 9/15। अब इसको काटा पीटी कर दो, कैसे करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तीन एकम तीन, तीन त्रिका नौ, तीन एकम तीन, तीन त्रिका नौ, पांच एकम पांच, पांच त्रिक पंद्रह, ऊपर कितना बचा पांच और दो, सो पांच दूनी दस और नीचे बचा सिर्फ तीन, तो दोस्तों आपको मिल गया दस बटे तीन आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इधर पर हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन का साइन आता है उस पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए।